हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको शोल्डर एक्सरसाइजेस विद डंबल विद रेजिस्टेंस बैंड एंड सम फ्री हैंड एक्सरसाइजेस फॉर फ्रोजन शोल्डर। सो केयरफुली मेरा पोस्चर देख के फॉलो करिए और एंजॉय करिए वर्कआउट। स्टे फिट। पहले कर रही हूँ मैं शोल्डर रोटेशन विद लाइट डंबल्स। इसके लिए एल्बो सॉफ्ट करके लिफ्ट करना है टिल योर आई लेवल एंड रोटेट। And while lifting the dumbbell, breathe out. You can go for 10 to 15 repetitions. I'm doing only 12. अब करना है रिवर्स। जिस तरह से आप गए थे उसी से वापस आना है, keeping your elbow soft. Standing position में back मेरा straight है and knees मेरा soft है. इस फ्रंट रेज। फ्रंट की तरफ डंबल्स को लिफ्ट करना है। इतना लिफ्ट करिए कि आई लेवल तक ही जाए, उसके ऊपर ना जाए, और स्लोली ब्रिंग इट डाउन। ब्रीथ आउट व्हेन यू लिफ्ट, यूज योर कोर मसल, कीप बैलेंस। लेटरल रेज है, मतलब साइड की तरफ लिफ्ट करना है। पूरा हाथ मेरा स्ट्रेट नहीं है, स्लाइटली एल्बोज बेंड है, वही नी सॉफ्ट है, नेक लॉन्ग स्ट्रेट टॉल। अब है आर्नोल्ड प्रेस। यस, दिस इज माय फेवरेट एक्सरसाइज। प्लीज केयरफुली देखिए। अब मैं करने वाली हूं स्नैच, डंबल स्नैच। स्नैच मतलब खींच के ऊपर लेके आना है, एज इफ यू आर स्नैचिंग द डंबल अपवर्ड। तो मैं यहाँ दो स्पॉट कर रही हूँ, एक वाइल नीचे और एक ऊपर। इनहेल डाउन एंड एक्सहेल अप। नेक्स्ट हाथ से कर रही हूँ, सो यू कैन गो फॉर 10 रेपिटेशंस और 15 रेपिटेशंस। बैक पूरा स्ट्रेट रखना है, ओके, एंड ब्रीदिंग। इनहेल डाउन एंड एक्सहेल अप। सुमो पोजीशन में है मेरे वाइड लेग्स, टोज आर आउट, नीज आर मूविंग आउटवर्ड। और मैंने अभी बारबेल ले लिया है फॉर अपराइट रो। ये मैं अपराइट खींच रही हूँ ऊपर की तरफ। एल्बोज आर लिफ्टिंग अपवर्ड, माय नीज आर सॉफ्ट। नीज को सॉफ्ट रखना है, बारबेल को थोड़ा वाइड ग्रिप किया हुआ है और ऊपर खींचना है एंड ब्रीथ आउट करना है। नेक्स्ट इज डंबल श्रग्स। शोल्डर्स को कान की तरफ लिफ्ट करके लाना है और एक्सहेल करना है। डंबल्स को थोड़ा साइड में रख के खड़ी हुई हूँ मैं, तो प्लीज़ चेक माय पोस्चर, हाउ आई एम डूइंग। थोड़ा बॉडी हल्का आगे की तरफ बेंड, लीन है और नी सॉफ्ट है। पोस्चरल लिफ्ट, पीछे की तरफ लिफ्ट करना है हिप जॉइंट से पीछे की तरफ, कीपिंग माय एल्बो सॉफ्ट। मेरा एल्बो टाइट नहीं है, मेरा एल्बो बेंड नहीं है, इट्स सॉफ्ट। स्पाइन मेरा लॉन्ग है, नीज हल्का बेंड। नेक्स्ट दिखा रही हूँ रेजिस्टेंस बैंड, जिनको डंबल से नहीं करना है, यू कैन डू एज रीहैब एक्सरसाइजेस। ये आपका फ्रोजन एक्सरसाइज शोल्डर भी है तो ये ठीक करेगा और स्ट्रेंथनिंग बहुत बढ़ाएगा। कैसे कर रही हूँ आप प्लीज देखिए। सामने से ऊपर की तरफ मैं खींच रही हूँ। तो रेजिस्टेंस बैंड आपके रेजिस्टेंस कितना टाइट लेना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ये मैं एल्बो को साइड की तरफ, लेटरल की तरफ पुल कर रही हूँ, लिफ्टिंग अप एंड आप स्टेप को साइड की तरफ ले लिया है। सी माय बॉडी इज टोटली स्टेबल एंड आई एम ओनली मूविंग माय हैंड। सिर्फ हाथ को ही मूव करना है, बॉडी को नहीं। अब मैं कर रही हूँ बाहर से अंदर की तरफ, मतलब आई एम पुलिंग द स्ट्रैप आउट से इन। तो ये जो स्ट्रेंथनिंग लगेगा शोल्डर, आपको पुल करना है वेरी कंट्रोलिंग मूवमेंट में बाहर से अंदर की तरफ।
दूसरा हाथ में दिखा रही हूँ। ये सारे एक्सरसाइजेस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। जिनका शोल्डर्स वीक है, प्लीज़ आप वो डंबल वाला छोड़ के पहले आप ये स्ट्रेप वाला करिए, ताकि आप स्ट्रेंथनिंग पहले बढ़ा लें, थोड़ा पॉस्चर ठीक हो जाए, देन यू कैन लिफ्ट द डंबल्स। अभी दिखा रही हूँ जिनको फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर मतलब एक लॉकिंग जैसा फील होगा, जैसे शोल्डर आपका एक जगह से और मूव नहीं होता। उनके लिए ये फ्री हैंड एक्सरसाइजेस है, प्लीज़ गौर से देखिए। जैसे मैंने फ्रंट में किया है, वैसे ही मैं बैकवर्ड में कर रही हूँ। जितना आप उठा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना आपका रेंज है वहाँ तक ही उठाना है। नेक्स्ट, इन से आउट। ये आउट करने में अगर आपका शोल्डर फ्रोजन है तो आपको थोड़ा टाइटनेस, खिंचाव जैसा फील होगा, पर आपको ये रेगुलर करना है, सो दैट जो फ्रोज हुआ पड़ा है, जो आपका टाइट हो गया है शोल्डर, वो लूज हो जाए, रिलीज हो जाए। सेम कर रही हूँ मैं बाहर से अंदर। ये सारे एक्सरसाइजेज वही है जो मैंने रेजिस्टेंस बैंड से किया था, लेकिन जिनका फ्रोजन शोल्डर है, प्लीज़ आप फ्री हैंड पहले करिए, ताकि ये जो मूवमेंट लॉक्ड है वो थोड़ा खुल जाए। नेक्स्ट है यहाँ फ्लैट से पीछे की तरफ। तो इसको आप 10 टू 15 टाइम्स कर सकते हैं। प्लीज़ जिनका भी फ्रोजन शोल्डर है, आई रिक्वेस्ट कि एवरी डे इसको आप दो बार करिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। फिर हल्का आगे बेंड होके हाथ को एकदम लूज करके बिग सर्कल मूवमेंट करना है, रोटेशन जैसा। ये आप वॉल को पकड़ के भी कर सकते हैं, कोई पिलर को पकड़ के आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमाना है। जितना आपने राइट हैंड में किया है, उतना ही आपको लेफ्ट हैंड में करना है, सो काउंटिंग जरूरी है, आप प्लीज काउंट करके करिए। तीन पार्ट में डिवाइड किया है मैंने सारा एक्सरसाइजेस, जो भी आपको सुइटेबल लगे आप प्लीज़ उसको करिए, रिपीट करिए 3 times, रेजिस्टेंस आपके हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।